सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सेंटर को और बेल आइकन दबाइए इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ज्ञान सेंटर में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं अर्थिंग वर्सेस न्यूट्रल के बारे में, यानी कि दोनों चीज़ का हम लोग करेंगे कंपेरिजन और दोनों चीज़ के फायदे बताएंगे कि क्यों हमें न्यूट्रल के होते हुए अर्थिंग लगाना पड़ता है और क्यों अर्थिंग के होते हुए भी हमें न्यूट्रल का यूज करना पड़ता है। सबसे पहले दोनों चीज़ समझ लेते हैं कि ये दोनों चीज़ है क्या और क्या चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले बात करते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल एक वो चीज़ है जो हमारे घर तक आती है, हमारे नज़दीक का जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वहाँ से, यानी कि आपके गांव में है, आपके घर के आसपास है, आपके सोसाइटी में है, कहीं ना कहीं आपने एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर देखा ही होगा, वहाँ से हमारे घर तक पावर आता है। जो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर तक पावर आता है वो सिर्फ तीन फेज में आता है, यानी कि वहाँ पे तीनों फेज आता है। वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बाद जो हमारे घर तक आता है वो चार वायर में आता है, यानी कि तीन फेज और चौथा न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल कहाँ से आ गया? अब वहाँ से तो तीन ही फेज आ रहे थे, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, मेरा ट्रांसफॉर्मर का वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें भी मैंने समझाया है कि न्यूट्रल चीज़ क्या है और न्यूट्रल का वीडियो भी है, मगर फिर भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग, वो होती है स्टार में। स्टार क्या है आपके फोटो में देख सकते हैं, तो स्टार में वाइंडिंग होती है। स्टार में वाइंडिंग तीनों फेज तो अलग अलग आप देख सकते हैं निकल गया, जहाँ पे तीनों फेज का जॉइंट आता है वहाँ से एक वायर निकलती है जो होती है 0 वोल्ट के आसपास, यानी कि 0 वोल्ट के आसपास। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आपको कि न्यूट्रल हमारा 0 वोल्ट होता है, मगर मैं बोल रहा हूँ 0 वोल्ट के आसपास, 0 वोल्टेज के आसपास। अब ये 0 वोल्टेज के आसपास क्यों होती है? क्योंकि जब तक हम वो न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करेंगे तब तक उसमें फ्लक्चुएशन आता रहेगा। अब फ्लक्चुएशन कैसे आएगा? देखिए, तीनों फेज वहाँ से निकल चुके हैं और एक न्यूट्रल का वायर निकल चुका है। अब हमने वो पावर को डिवाइड कर दिया, यानी कि ये वाली सोसाइटी में ये ए फेज का पावर जाएगा, यानी कि आर फेज का जाएगा, दूसरी बी सोसाइटी में वाई फेज का जाएगा, तीसरी सोसाइटी में हम तीसरे फेज का पावर भेज देंगे। अब पॉसिबल हर टाइम नहीं है कि तीनों का लोड सही हो, हम लोग डिवाइड तो कर देते हैं लोड के अकॉर्डिंग, मगर हर बार हर टाइम सही नहीं होता है तीनों का लोड। जब भी लोड अप डाउन होगा तो न्यूट्रल का जो वोल्टेज है वो भी अप डाउन होगा, क्योंकि तीनों फेज के साथ वो भी सर्किट का एक हिस्सा है, इसीलिए हम उसको ग्राउंड कर देते हैं और फिर वो वायर को आगे ले लेते हैं। और ग्राउंड करने का दूसरा एक फ़ायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी बारिश का मौसम आता है तो बिजली कड़कती है और कई जगहों पे आपने देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, बिजली गिरती है बहुत बार, इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर गिरती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के ऊपर गिरती है। कंडक्टर का मतलब है, मेरा मतलब है वायर, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर गिरती है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी गिरती है। तो जब भी बिजली गिरती है हमारे घर तक पहुंचने में कम से कम नुकसान हो, इसीलिए वो जो न्यूट्रल वाली चीज़ है उसको ग्राउंड कर देते हैं, ताकि जो भी वो अलग से वोल्टेज आए वो ज़मीन के अंदर चले जाए, यानी कि ग्राउंडिंग हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए न्यूट्रल कहाँ से आता है हमने समझ लिए। हमारे घर तक दो वायर आती है, एक होती है फेज, दूसरी होती है न्यूट्रल, वो भी आपको पता ही है। हमारे घर के स्विच बोर्ड तक भी वो दोनों वायर आती है, मगर कई बार आपने ऐसे प्लग देखे होंगे उसमें तीन पॉइंट होते हैं, एक अर्थ का, एक न्यूट्रल का और एक फेज का। अब ये भाई अर्थ की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी हमने न्यूट्रल को अर्थ कर दिया है। तो अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, जो हमारे घर तक न्यूट्रल अभी भी आ रहा है वो न्यूट्रल 0 वोल्टेज नहीं है। अभी तक क्यों 0 वोल्टेज नहीं है? क्योंकि वो कंडक्टर का बीच का रेजिस्टेंस कहाँ जाएगा, बहुत दूर से आपके घर तक न्यूट्रल आ रहा है, उसके बीच में भी रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट आती होगी, तो कहीं ना कहीं कोई ब्रेकेज हो या कोई भी लूज कनेक्शन का प्रॉब्लम आता होगा, तो न्यूट्रल हमारा कभी भी स्टेबल नहीं रहता। हर वक्त आप न्यूट्रल का वोल्टेज चेक करेंगे तो वो स्टेबल नहीं रहता है, कभी आपको एक वोल्टेज बताएगा, कभी दो वोल्टेज बताएगा, ऐसे अप डाउन होता रहता है हमारे न्यूट्रल। हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो हर टाइम जीरो रहे, तो ये 0 वोल्टेज रखने के लिए हम ग्राउंड पहुंचाते हैं अपने घर तक। चलिए 0 वोल्टेज तक भी पहुंचा दिया, मगर इसको सर्किट के साथ तो हम कनेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? न्यूट्रल की जगह पर अगर आप अर्थ यूज करेंगे
तो आप जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि ये जो अर्थिंग है उसको सर्किट कंप्लीट करने के लिए पूरे अर्थ के अंदर से होके आपका जहाँ पे भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वहाँ तक जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। इतनी दूर तक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे वेस्टेज होगी, इसीलिए हम ये चीज़ नहीं यूज कर सकते, इसीलिए हम कंडक्टर यानी कि वायर का यूज करके लाते हैं। अभी भी वही बात अटक गई है कि क्या ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि जब भी कोई इक्विपमेंट शॉर्ट होता है तो इक्विपमेंट शॉर्ट होता है तो उसमें वोल्टेज फ्लो करने लगते हैं, वोल्टेज और करंट फ्लो करने लगते हैं। जैसे कि बात करूँ एग्जांपल, माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज आपके घर का है, फिर आयरन है जो आप कपड़े में इस्त्री करते हैं वो वाली इस्त्री है, ऐसे सैंडविच मेकर है, टोस्टर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिसमें हमें हरदम खतरा रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का। तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन करने के लिए हम वहाँ से थ्री वायर निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा जो भी मैंने इक्विपमेंट का नाम लिया, इंक्लूडेड यहाँ पे कंप्यूटर भी आ जाता है, जो सीपीयू आता है सीपीयू के आउटपुट में भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा थ्री वायर आती है। तो ये तीसरी वायर क्या फ़ायदा करती है? जब भी वो इक्विपमेंट शॉर्ट हो जाता है उसमें वोल्टेज फ्लो करने लगते हैं, उसमें आप टेस्टर लगाएंगे तो टेस्टर भी देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे अर्थिंग सही रहता है ना वहाँ आप टेस्टर चेक कीजिएगा, टेस्टर को भी इक्विपमेंट में लगा के देखिएगा, वहाँ पे इक्विपमेंट में नहीं होगा। अगर इक्विपमेंट थोड़ा पुराना है और वहाँ पे अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं है और टेस्टर लगाएंगे, टेस्टर ग्लो होगा, यानी कि कुछ ना कुछ वोल्टेज वहाँ से फ्लो होती रहती है। तो अगर ये वोल्टेज ज़्यादा मात्रा में आ गई, ज़्यादा आ गई तो आपको भी नुकसान पहुँचा सकती है, यहाँ तक कि ह्यूमन की बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है और डेड भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए कुछ तरीका हमने ढूंढ के निकाला है जिसको बोलते हैं हम अर्थिंग यानी कि ग्राउंडिंग, जो ज़मीन के अंदर या पाइप से या फिर प्लेट से या बहुत सारे तरीके से हमने अर्थिंग कर सकते हैं। और ये कौन कौन से तरीके हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई है। वहाँ से हम एक वायर निकाल लेते हैं ग्राउंड के साथ, वहाँ पर अर्थिंग के अंदर सारकोल और नमक यानी कि कोयले और नमक का यूज़ होता है, उसके साथ पानी की पाइपलाइन होती है जिसमें हमें पानी डालना होता है। कई लोग ऐसा करते हैं अर्थिंग में कभी भी पानी नहीं डालते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, वहाँ पे हमें पानी डालना रहता है कुछ टाइम के बाद। तो ये अर्थिंग है, अर्थिंग से वायर हमारे घर तक आ गई, घर से हमारे स्विच बोर्ड तक पहुँच जाती है। स्विच बोर्ड में सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो मोटा हिस्सा होता है प्लग का, आप देख सकते हैं अभी फोटो में, वो वाले हिस्से में हम कनेक्ट करते हैं अर्थिंग का वायर। यानी कि जब भी आप उसमें थ्री पिन सॉकेट लगाएंगे तो सॉकेट में भी ऊपर का हिस्सा मोटा होगा और थोड़ा लंबा होगा, वो वाला हिस्सा है अर्थिंग के लिए। तो अर्थिंग वहाँ पे लग गए, आप कोई भी इक्विपमेंट आपका शॉर्ट हो और आपके घर का अर्थिंग सही है तो आपको करंट कभी भी नहीं लगेगा। लगेगा क्यों नहीं? क्योंकि आपका बॉडी का कुछ रेजिस्टेंस होता है यानी कि रुकावट होती है, जब वो करंट आपसे फ्लो होने लगेगा तो बॉडी को तो नुकसान करेगा, मगर जैसे ही वहाँ पे उस इक्विपमेंट के बॉडी के साथ वहाँ पे अर्थिंग जॉइंट है तो वो आपके बॉडी से नहीं जाएगा, जहाँ से उसको आसान रास्ता मिलेगा वहाँ से वो वोल्टेज चला जाएगा। तो कहाँ से जाएगा? जो अर्थिंग का वायर हमने वहाँ तक पहुँचाया है, फिर वो वायर आया ज़मीन से, ज़मीन से प्लेट में, प्लेट में से आपके घर के वायर तक, और वायर से स्विच बोर्ड में, और स्विच बोर्ड के होते हुए आपका जो भी इक्विपमेंट है, आयरन है, माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, वहाँ तक वो ग्रीन वाला वायर, ज़्यादातर ग्रीन वाला वायर हम अर्थ में यूज करते हैं, वो वायर वहाँ तक पहुँच गया है। अब ये वाला वायर उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे आपका इक्विपमेंट शॉर्ट है, तो वहाँ से आपके स्विच बोर्ड में जाएगा, स्विच बोर्ड से आगे आपकी लाइन में जाएगा, और लाइन से आगे जहाँ आपने ग्राउंडिंग की है अपने घर के आसपास वहाँ तक चला जाएगा। अब वहाँ पे ज़मीन के अंदर चला जाएगा और वहाँ से वो ट्रांसफॉर्मर में फ्लो होने लगेगा। एक दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ हम लोग लगाते हैं, वो जब भी आपको करंट लगता है तो वो जल्दी से फ्यूज़ नहीं होते, यानी कि सर्किट ब्रेकर जल्दी से ऑफ नहीं होता और फ्यूज़ है जल्दी से जलता नहीं है उसकी तार। क्यों नहीं जलता? क्योंकि हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस भी होता है और रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करवाता, क्योंकि हम रोक देते हैं, हमारी बॉडी है उसको एक रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस पैदा करती है, तो धीरे धीरे करंट फ्लो होने लगता है। तो धीरे धीरे करंट फ्लो होने लगता है तो इतना ज़्यादा एम्पियर लोड या लाइन में लोड नहीं बढ़ता है, इसीलिए आपका फ्यूज़
बर्न नहीं होता है। और जहाँ तक बात करूँ हम लोग जो ग्राउंडिंग अर्थिंग करते हैं उसकी, तो वहाँ से बहुत सारा करंट एक साथ फ्लो होने लगता है जब भी कोई भी इक्विपमेंट शॉर्ट होता है। तो जैसे ही इक्विपमेंट शॉर्ट हुआ तो तुरंत आपका घर का जो फ्यूज है अगर सही लगाया तो लोड के अकॉर्डिंग, अगर मोटी सी तार कोई भी तार लेके वहाँ पे चिपका दी तो कभी नहीं जलेगा। तो सही से वहाँ पे फ्यूज लगाया तो फ्यूज बर्न हो जाएगा और तुरंत ही पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया है कि ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ में क्या डिफरेंस है। ये जो न्यूट्रल वायर है ये वोल्टेज को कुछ हद तक हमारे घर तक कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देखिए 440 वोल्ट घर पे लाने का मतलब है डबल खतरा। दोनों तार में पावर आ रही है, घर में हर जगह पे हर वायर में पावर आ रही है, तो मतलब खतरा। इसीलिए वो खतरे को कम करने के लिए और सर्किट कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे यूज करते हैं न्यूट्रल को। और एक बात फ्रेंड बताना चाहता हूँ कि कभी कभी जो भी इलेक्ट्रिशियन है भाई हो वो एक्सपर्ट है, वो लोग न्यूट्रल की तार को डायरेक्ट ही हाथ से जोड़ने लगते हैं और हाथ टच करवा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल की वायर में हमेशा कुछ ना कुछ वोल्टेज या करंट फ्लो होता रहता है। उसमें वोल्टेज भले ही जीरो ले लेते हैं हम ट्रांसफार्मर से, मगर जीरो हमेशा होता नहीं है और करंट तो फ्लो उसमें होता ही रहता है। तो न्यूट्रल को कभी भी छोटी चीज़ या फिर ऐसी चीज़ मत समझिए, उसको भी एक चीज़ समझिए कि उसमें करंट फ्लो होता रहता है। मतलब उसको फेज समझ के ही चलिए। जब भी आप कोई भी रिपेयरिंग काम करते हैं तो पूरी तरह से लाइन काट के ही रिपेयरिंग करना चाहिए, जो लोग एक्सपर्ट नहीं है उन लोगों के लिए। तब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में अभी भी कोई कंफ्यूजन है समझ में आने में तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो हर बार की तरह लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।